स्वागत है आपका अनटोल्ड मिस्ट्री फैक्ट्स में। अगर मिस्टीरियस जानकारी चाहिए तो सीधा अनटोल्ड मिस्ट्री फैक्ट्स पर आइए। 1970 से 80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद सुंदर थी पर उसके द्वारा दी गई मौत बेहद खौफनाक थी। डर एक ऐसी आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता है। कुचिसाके ओना, जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लीजेंड जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में तो ये सवाल मामूली सा लगता है लेकिन इसका जवाब सबसे मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसका जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है क्योंकि जब भी कोई इस सवाल का जवाब नहीं मैं देता था तो कुचिसाके कैंची से उसे मार देती थी और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपनी सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना खतरनाक चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखती हूँ। कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो भी वो उसे मार देती और अगर जवाब हाँ में तो भी कुचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपनी जैसे घाव बना देती थी जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी और तो लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और अन्य लोगों से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जापान सरकार को स्कूल स्टूडेंट्स को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान। लगभग 800 से 1200 साल पहले जापान के छोटे से गांव में बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा। जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। ये देखकर अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराई अपने घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तलवार के वार से उस औरत के चेहरे पर एक बेहद ही भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बन गया था। जब उस औरत ने वो घाव देखा तब उसे ये एहसास हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा बेहद डरावना दिखाई देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में जापान की सड़कों पर घूम रही है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं।